नाउ फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कर लिया होगा, की होगी, ये सब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट विल हैव आ गया, क्योंकि हमको तो पता है परफेक्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, हैज हैव हैड में कुछ यूज करते हैं, है ना। अगर हैज हैव कहाँ है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैड क्या है? पास। यहां पे क्या कर रहे हैं? विल हैव। ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, चेंज हो गया। अभी तक हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर रहे थे, अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी और प्लस क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ एग्जांपल्स। राम मार्केट जा चुका होगा, जा चुका होगा, तो राम विल हैव गॉन टू मार्केट। आई विल हैव प्लेड बाय नाउ। हर जगह प्लीज आप एक चीज नोटिस करिए, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है। विन की भी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन, विन, वन, वन। ओके, और यहाँ पे क्योंकि थर्ड फॉर्म इसलिए लगे क्योंकि हमने यहाँ पे इनके साथ क्या लगाया है? Have. और ऑफ कोर्स खाली हैव तो लगेगा नहीं, क्योंकि हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो विल हैव। सो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, सो राम मार्केट जा चुका होगा, मैं इस समय तक खेल चुका हूंगा, सो हूंगा, कर चुका होगा, चुका होगा बेसिकली स्टैंड्स फॉर दिस टाइप ऑफ टेंस व्हिच इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, ही विल हैव मेट हिम। मीट का क्या हो गया? मेट। विल हैव गॉट दिस। कई लोग गॉट भी यूज करते हैं, आई प्रेफर गॉटन। क्या होता है? गेट, गॉट, गॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ओके, आजकल ये नया ट्रेंड चल गया, बट दैट्स रॉन्ग। आइडियली अकॉर्डिंग टू मी यूज गॉटन। ओके, मदर विल हैव कम, यू विल हैव टोल्ड। ओके, नाउ नेगेटिव, सेम चीज है, बस क्या हो गया? विल हैव यूज कर रहे थे हम किसके अंदर? हमारे फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। नेगेटिव है मतलब नॉट यूज कर दो, क्या करोगे? विल नॉट। ही विल नॉट हैव सीन। आई विल नॉट हैव इट, कुछ खाना खाना है, आई विल नॉट हैव इट। ये भी तो जनरली बोलते हैं ना, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कब आप उसको एज मेन वर्ब भी यूज कर रहे हो। ओके, तो पीपल विल नॉट हैव मेट, she will not have gone there. तो यहाँ पे will not have तो है ही है, plus main verb क्या है? go, और go का क्या कर दिया? go, went, gone. यहाँ पे क्या कर दिया? met, she saw, seen, go, went, gone. so एक बार इसे match कर लो, subject क्या हो गया? ram, ram, will not have, correct? verb की थर्ड फॉर्म और क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट। सो राम विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। ऑलराइट, सो राम विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। और ऐसे ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल हैं। ओके, अगर मैं बोलूं कि आई विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, ओके, आई विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, राइट? So you should know how you can shift the sentences and how you can incorporate yours. Okay? Interrogative. WH family, बिल्कुल clear. Will, बिल्कुल clear. बस question बनाना है. Subject आ गया, have आ गया, verb की third form आ गई, और यहां first form नहीं आएगी क्योंकि ये आपका क्या है? Perfect. और परफेक्ट में क्या आता है? हमेशा हैज हैव हम यूज कर रहे हैं। अगर विल के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? हैव। ओके, विल के साथ अगर हम हैव यूज कर रहे हैं तो हैव के साथ हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि हम हमेशा हैज हैव जो प्रेजेंट में यूज हो रहा था, हैड यूज हो रहा था पास्ट में, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, हमें याद रखना है कि हमें इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करने हैं। एंड ये एग्जैक्टली मैंने आपको रेप्लीकेट करके दिखा दिया है आपके रूल के हिसाब से। तो आपको जो इसकी प्लेसमेंट करनी है चीजों की, वो ऐसे ही करनी है, अपने सब्जेक्ट की प्लेसमेंट, वर्ब की प्लेसमेंट, विल नॉट हैव की प्लेसमेंट,
सब की प्लेसमेंट आप ऐसे ही करेंगे. ऑलराइट, सेम एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन हाउ हो गया, विल कब हो रहा है, जब यहां से क्या से ही स्टार्ट हो रहा है तो मैंने क्या किया, विल. वेयर मतलब कि कहाँ, ये बीचों बीच आ रहा है इससे डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी बीचों बीच आ रहा है तो उसका मतलब यहां भी विच पहले आएगा. ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वही बिल्कुल सेम है. इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, आ गया बीच में नॉट. ओके, तो विल राम नॉट. अब इसमें हम लोग, चलो पहले मैं आपको डब्ल्यू एच फैमिली का एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. इसमें क्या हुआ, डब्ल्यू एच फैमिली से मिल रहा है, विल आ गया, पीपल बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग को पीपल्स नहीं बोलते हैं, पीपल इट सेल्फ इज प्लूरल. नॉट, हैव, मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कल्पना क्या है आपका, ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज इन दी सेंटेंसेस. और अगर यहां क्या से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन भी विल से स्टार्ट हो जाएगा. ऑलराइट.